जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्डेटर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। हालांकि मैंने लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में ऑलरेडी प्रिडिक्शन की हुई है कि ये जो अगले चुनाव आने वाले हैं इसमें जो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो रिटेन करेंगे, एनडीए रिटेन करेगी, वो फिर से मतलब जो एनडीए बीजेपी है वो सत्ता में फिर से आएगी। लेकिन मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जब चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएगी तो उसके बाद में एक वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें एग्जैक्टली मैं बताऊँगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी। हालांकि जीतना तो तय है एनडीए का, लेकिन क्या कितनी सीटें रहेगी, क्या मार्जिन रहेगा, ये सब डिटेल में मैं उस वीडियो में बात करूंगा। तो अब जो तारीखें हैं वो ऑलरेडी पहले से मतलब अनाउंस हो चुकी है, 7 चरणों में मतदान होना है। तो उस जो हर डेट जो है वोटिंग की, 7 डेट्स हैं अलग 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 जगहों पर, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो कैलकुलेशन किया है, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो सीट्स निकल कर आ रही हैं बीजेपी की, मतलब एनडीए की, इंडिया आईएनडीआई गठबंधन की, इनकी जो सीट्स निकल कर आ रही हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। देखिए, एक बात तो आपने नोटिस की होगी कि कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा है कि जीतेगा कौन, एनडीए जीतेगा या इंडी गठबंधन जीतेगा या प्रधानमंत्री कौन होंगे, कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। आप चाहे कोई न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, न्यूज़ चैनल देख लीजिए, या जो चर्चाएं होती है ऑफिस में, बाहर चाय की दुकानों पर, रेस्टोरेंट में, कोई भी इस पर बात नहीं करता कि जीतेगा कौन इस बार। बात इस पर हो रही है कि कितनी सीटों से जीतेगी या कितनी सीट आएगी एनडीए को, कितनी सीट किसको आएंगी, इस पर बात हो रही है। आप कहीं भी नोटिस करके देखना कभी भी आप। तो हालांकि ये सभी, इसमें कोई प्रिडिक्शन बनता नहीं है, खैर, कि एनडीए फिर से रिटेन करेगी अपना जो कार्यकाल है, नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस बार 400 पार बीजेपी, इस बार 400 पार, तो क्या 400 पार होगा या नहीं, उस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको वहां पर पास में बेल आइकॉन नज़र आएगा, उसको आप टैप कर दीजिए। टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे, वहां पर ऑल को आपको सिलेक्ट करना है। इससे इस वीडियो, इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। अगले वीडियो में कुछ और भी प्रिडिक्शन चुनाव से रिलेटेड होने वाली है, जैसे कुछ सीट जो है वो हॉट सीट्स हैं, जैसे कि एक मंडी सीट है हिमाचल की, एक हैदराबाद की सीट है, इंदौर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ की सीट के बारे में भी प्रेडिक्शन होगी। एक स्पेसिफिकली उन सीट्स के बारे में भी हम रीडिंग करके देखेंगे, तो उनके भी वीडियो आने वाले हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप सबसे पहले तो, और आप शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी लोकसभा सीट में आते हैं पर्टिकुलरली, और अगर आपकी सीट भी हॉट सीट है, आप जानना चाहते हैं कि वहाँ से कौन जीतेगा, तो आप हमें आपका नाम लिखिएगा पूरा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, आपका नाम लिखिएगा पूरा, और कौन जो वहाँ कैंडिडेट्स हैं आईएनडीए गठबंधन से, कौन कैंडिडेट हैं, या टीएमसी या कांग्रेस से कौन कैंडिडेट हैं, एनडीए से या फिर शिवसेना से या फिर बीजेपी से कौन कैंडिडेट है, उसकी प्रॉपर डिटेल हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, तो हम उसके बारे में भी रीडिंग करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर 7 चरण में मतदान होने वाला है। पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को है, 19 अप्रैल 2024, दूसरा चरण 26 अप्रैल 2024 को है। पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव होने हैं, कुल 543 सीट्स है। तो पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को 102 सीटों पर वोटिंग होनी है, दूसरे चरण में 26 अप्रैल 2024 के दिन 89 सीट्स, यानी कि 90 सीट्स पर चुनाव होंगे। तीसरा चरण है 7 मई 2024 को, इसमें
94 सीट्स पर चुनाव होंगे, 94 सीटों पर चुनाव होंगे। चौथा चरण जो है वो 13 मई 2024 को है, इसमें 96 सीट्स पर वोटिंग होगी। पांचवा चरण 20 मई 2024 को है, सोमवार के दिन, और इसमें जो कुल सीट्स जो है जो वोटिंग की वो है 49 सीट्स। छठा चरण जो है 25 मई 2024 को है और इस पर 57 सीट्स पर वोटिंग होनी है। सातवां और अंतिम चरण जो है वो 1 जून 2024 शनिवार के दिन होगा और उस पर कुल 57 यानी कि 57 सीटों पर वोटिंग होगी। तो कुल 543 यानी कि 543 सीटें हैं। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि कौन सा दल कितनी सीटें, प्रिडिक्शन जो है अब उस पर आते हैं हम। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिखेगा, किस लोकसभा सीट से आते हैं वो लिखेगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो सीट है लोकसभा सीट वहाँ से कौन कैंडिडेट जीतेगा उसके लिए हम रीडिंग करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आपका पूरा नाम लिखिए, आपकी लोकसभा सीट लिखिए, वहाँ पर वोटिंग कब है वो डेट भी लिखिएगा, और कौन जो दो मेन कैंडिडेट है, दो या तीन जो भी आपको लगता है, और वो किस दल से हैं, कांग्रेस से है, बीजेपी से है, टीएमसी से है, शिवसेना से है, उनके नाम सहित उनका दल पूरा आप लिखेगा तो हम रीडिंग जरूर करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो अब देखिए 4 मई 2024 मंगलवार के दिन नतीजे आने हैं, चुनाव परिणाम आना है। अब हम देखिए ज़्यादा टेक्निकली मैं नहीं जाऊँगा, इसमें मैं बता देता हूँ कि मैंने बीजेपी की कुंडली को कंसिडर किया है, कांग्रेस की कुंडली को कंसिडर किया है मेनली, और जो ये डेट्स हैं खास करके 4 जून 2024 उस दिन की जो कुंडली बन रही है तो उसको मैंने कंसीडर किया है। इन सबको कंसीडर करके और उसके बाद जो फाइनल जो नंबर्स आए हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहले हम एनडीए की बात कर लेते हैं कि एनडीए कितनी सीटें जीत सकती है इस लोकसभा चुनाव 2024 में। तो एनडीए जो इस बार सीट जीत सकती है, देखिए पिछली बार शायद 303 लगभग ऐसी कुछ सीट्स थी जो एनडीए ने जीती थी और इस बार 400 पार। तो देखिए 400 पार पे पहले बात करते हैं कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी कहा था, शायद एक आध वीडियो में, कि 400 पार तो इस बार बीजेपी नहीं होने वाली, बीजेपी अकेले 400 पार नहीं होने वाली है। अब उसकी भी हम बात करते हैं एनडीए कितनी सीटें जीत रही है। देखिए एनडीए के लिए मेरा प्रेडिक्शन है, जो गठबंधन है एनडीए जो अभी वर्तमान सत्ताधारी पार्टी में है, तो एनडीए 380 से 395 सीटें इस लोकसभा चुनाव में जीत सकता है। जो प्रेडिक्शन है 380 to 395, 380 से 395 के बीच में एनडीए की सीट रहेगी, और इंडी गठबंधन की सीट जो है वो 162 यानी कि 162 से 190 के बीच में रहेगी। तो ये हुई एनडीए और इंडी गठबंधन की सीटें। अब इसमें आप प्लस माइनस 10 to 15 सीट्स आप कंसिडर कर सकते हैं, प्लस माइनस 10 से 15 सीट इसमें ऊपर नीचे हो सकती है जो मैंने नंबर्स बताए हैं। अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस की सीटों की। अब देखिए बीजेपी की जो सीट इस बार आ रही है, जो 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे हैं या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, 400 पार तो इस बार नहीं होने वाली, लेकिन हाँ बीजेपी की जो अकेले अपने दम पर जो सीट आएगी वो होगी 325 से 342 के बीच में, 325 to 342। इसमें भी आप प्लस माइनस 10 टू 15 सीट्स आप कंसिडर करके चलिएगा। और कांग्रेस जो पिछली बार शायद बहुत कम, कितना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो आंकड़ा, शायद 50 या 54 ऐसी कुछ सीट्स आई थी, इस बार कांग्रेस को उससे भी कम सीटें आ रही है। कांग्रेस अकेले अपने दम पर 35 से 48 सीटों पर सिमट जाएगी। इसमें भी आप प्लस माइनस 10 to 15 मानकर चलिएगा, कंसीडर करके चलिएगा। तो ओवरऑल प्रेडिक्शन ये है, मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो लोकसभा सीट है वहाँ से पे कौन जीतेगा उसके लिए मैं रीडिंग करूँ, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका नाम पूरा लिखिए, कमेंट में आपका पूरा नाम, आपकी जो लोकसभा सीट है वो लिखिएगा, उसका पूरा नाम, वहाँ पर किस डेट को वोटिंग है और वहाँ पर कौन दो या तीन जो मेन कैंडिडेट है वो कौन है और किस पार्टी से है वो जरूर लिखिएगा।
एनडीए को मिलेगी 380 से 395 के बीच में सीटें, प्लस माइनस 10 to 15, इसमें आप कंसिडर करके चलिएगा। इंडी गठबंधन को मिलेगी 162 से 190 के बीच में सीटें, आप इसमें भी प्लस माइनस 10 to 15 कंसिडर करके चलिएगा। बीजेपी अकेले अपने दम पर 325 से 342 के बीच में सीटें मिलेंगी बीजेपी को, इसमें भी आप प्लस माइनस 10 to 15 सीट्स कंसिडर करके चलिएगा। कांग्रेस इस बार पिछली बार से भी बहुत खराब प्रदर्शन रहेगा, 35 से 48 सीटों के बीच में कांग्रेस इस बार सिमट रही है, इसमें भी प्लस माइनस 10-15 आप करके चलिएगा। तो ये था ओवरऑल प्रेडिक्शन जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।